नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना संकट को लेकर कई तरह की बातें जो है इस समय की जा रही हैं, और इस समय से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, जिससे आम लोग भी जो है वो काफी डरे हुए हैं, वो ये कि क्या तीसरा वेव भी आएगा। ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब दूसरे वेव के खत्म होने के साथ ही तीसरे वेव को लेकर बहुत सारी चिंताएं सामने आ गई हैं। तीसरा वेव कैसा होगा? क्या बिल्कुल निश्चित है कि तीसरा वेव आएगा? और वो आएगा तो किन किन लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा? दिल्ली IIT ने जो एक आंकड़ा जारी किया है, उसमें तो स्थितियां बहुत खराब दिखाई गई हैं। वर्स्ट केस में, यानी सबसे खराब स्थिति में, उनका कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में ही 45,000 केस रोज आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने केसेस को संभालना दिल्ली सरकार के लिए संभव नहीं रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? अस्पताल नहीं होंगे। हमने देखा कि उससे बहुत कम जो दूसरे वेव में था उसमें भी अस्पताल की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इस बार ज़्यादा इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन अगर आंकड़े इतने भयानक होते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से सभी साधनों की कमी पड़ जाएगी। ये कमी जो है वो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण भी बन सकता है। कैसा होगा यह तीसरा वेव? आएगा भी या नहीं आएगा? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है ब्रिटेन के डॉक्टर अशोक जैनर को। आप परिचित हैं, हमारे कई प्रोग्राम में आ चुके हैं। डॉक्टर जैनर, आपका स्वागत है, नमस्कार। और उसके साथ मुंबई से हैं डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर अशोक सिंह से भी आप परिचित हैं। दोनों ही लोग कोरोना के इलाज से जुड़े हुए हैं काफी समय से, करीब अब तो कह सकते हैं कि एक साल से ज्यादा समय से। सही इलाज के लिए दिशा जो है वो सिर्फ रोगियों को नहीं बल्कि डॉक्टरों को भी दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार शैलेश जी। और एक खास बात यह है कि ये दोनों ही डॉक्टर जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, कोरोना के मामले में काफी गहरी जानकारी रखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण किताब के लेखक भी हैं। और ये किताब है कोरोना, जानो समझो और बचो। ये किताब अभी हाल ही में बाजार में आई है, कोरोना जानो समझो और बचो। इस किताब में बहुत सारी जानकारियां हैं, सीधे तौर पर तीसरे वेव की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर आगे भी वेव आते हैं तो कैसे उनको संभाला जा सकता है, कैसे स्थितियों को जो है बेहतर बनाया जा सकता है। और इस हिसाब से, इस लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी किताब है। इस किताब पर थोड़ी बातचीत हम और करेंगे, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि तीसरा वेव आएगा कि नहीं आएगा, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। और पहला सवाल मैं डॉक्टर अशोक जैनर के सामने रखता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि तीसरा वेव यानी तीसरी लहर जो है वो जरूर आएगी भारत में, कम से कम भारत में, आपको क्या लगता है? जो सारे आंकड़े आपने देखे हैं, जो स्थितियां देखी हैं, उसके हिसाब, उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं? शैलेश जी, तीसरी वेव केवल भारत में नहीं आएगी, दूसरे देशों में भी आएगी। और इस तरह के पैंडेमिक में लगभग 5 वेव आती है, तो इसमें कोई तीसरी वेव आएगी ये कोई सरप्राइज नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। मेन चीज यह है कि पहली वेव जब आई थी, यूरोप से शुरू हुई थी, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका, उस समय पहली वेव में अंधकार था। ना तो ये पता था ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ना ये पता था इसका ट्रीटमेंट क्या है, ना ये पता था कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन से मरीज एडमिट होने चाहिए, कौन से घर पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, इनके कितने इम्पैक्ट है, इन सब की जानकारी नहीं थी। उस समय इंडिया एडवांटेज में था, क्योंकि इंडिया में ये वेव सबके बाद में आई थी यूरोप के, तो इंडिया ने उस एडवांटेज का फायदा उठाया। सबसे अच्छा फायदा इंडिया को हुआ क्योंकि तब तक जून में इंग्लैंड के यहाँ से ट्रीटमेंट का एक डायरेक्शन आ चुके थे कि स्टेरॉइड का इस पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, उससे इंडिया को पहली वेव में बहुत एडवांटेज मिला। अब आता है कि पहली वेव के बाद में सेकंड वेव 6 से 8 महीने बाद आनी है, दरवाजे पे खड़ी थी सेकंड वेव, उतनी जल्दी वैक्सीन बन नहीं सकती थी, दुनिया का कोई भी देश इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बना सकता था। तो सेकेंड वेव में सभी लोगों ने अज्यूम किया था कि सेकेंड वेव आएगी, कब आएगी, वो सारा एंटिसिपेट करके सबने प्लानिंग भी करी थी। लेकिन सेकंड वेव में हुआ क्या कि म्यूटेशन इतना डेंजरस हुआ
कि उसकी रफ्तार 70% ज्यादा होगी और उसकी मोर्टेलिटी लीथल एस्पेक्ट भी ज्यादा थे। उसने बुरी तरह दोबारा डिस्ट्रॉय किया और उसमें इंडिया सबसे बड़ा विक्टिम हुआ। इंडिया के कुछ अपनी कमजोरियां थी लोकल लेवल पे, तो इंडिया उस हालत में बहुत बड़ा विक्टिम हुआ सेकेंड वेव का। इसलिए अब इंडिया में फियर फैक्टर है थर्ड वेव का। हमें ये सोचना पड़ेगा कि थर्ड वेव और सेकेंड वेव के बीच में हमारे पास बहुत बड़ा वेपन हाथ में आ चुका है वैक्सीन का, और वैक्सीन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी वैक्सीन आ चुकी है। अब इस वैक्सीन का जो कंट्री जितना ज्यादा फायदा उठा लेगा, चाहे उसमें इंडिया हो चाहे यूरोप हो कोई भी, वो उतना थर्ड वेव के प्रकोप से, थर्ड वेव के मुसीबतों से बच जाएगा। वैक्सीन हमारे पास फर्स्ट सेकेंड वेव में नहीं थी, लेकिन थर्ड वेव से पहले हमारे पास वैक्सीन है। अब बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने 50% 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया। अब यहाँ पे इंडिया अगर उस रफ्तार से नहीं चलेगा तो इंडिया को फिर सोचना पड़ेगा कि थर्ड वेव में क्या होगा। निश्चित तौर पर ये ये खतरे की घंटी है। एक बड़ा सवाल है, खतरे की घंटी है। शायद वैक्सीन जो है हमें पूरी तरह से बचा सकता था, लेकिन डॉक्टर अशोक सिंह, अभी जो हम देख रहे हैं भारत में वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो बहुत उसको नाजुक ही कह सकते हैं। कई जगहों पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जितने लोगों को वैक्सीन लगाया जाना चाहिए उतना वैक्सीन हम दे नहीं पा रहे हैं, और कीमत अलग अलग है, वो तो एक अलग मुद्दा है। तो जो वैक्सीनेशन की स्थिति है उसको देखते हुए, क्या आप लगता है कि वैक्सीन के बूते जो है हम जो तीसरा वेव है उसको उससे लड़ पाएंगे और उससे बच पाएंगे? देखिए शैलेश जी, ये जो तीसरी वेव की बात कर रहे हैं ना आप, ये तीसरी वेव को बुलाना न बुलाना आपके हाथ में, ये वेव खुद चल के नहीं आने वाली है। रीजन बताएं, जो वेव क्यों आ रही है, इसमें दो फैक्टर है। देखिए, एक तो वायरस है, एक आदमी है, मतलब ह्यूमन फैक्टर, वायरल फैक्टर। ठीक है, तो इस वेव को फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के लाने में वायरल फैक्टर का रोल सिर्फ 10% है, 90% रोल ह्यूमन फैक्टर का है। हम 2 मिनट बता दें इसके बारे में कि जैसे फर्स्ट वेव आप लोग मान लो हम लोग का सितंबर में पीक था, सितंबर में हम लोग 90,000 to 1 lakh केसेस होते थे, लॉकडाउन किया, नवंबर में केसेस कम हुए, दिसंबर जनवरी फरवरी आते आते 10-11 हज़ार केस पर डे इंडिया में हो गए। तो हम लोगों ने विक्ट्री सेलिब्रेट करना चालू कर दिया कि हम कोरोना से जीत हासिल कर लिए। स्टेडियम में मैच होने लगे, कुंभ मेला होने लगा, इलेक्शन होने लगा, शादियां ब्याह धूमधाम से होने लगी। ये जो फैक्टर है ना, इसी फैक्टर ने थर्ड वेव सेकेंड वेव को जन्म दिया। वायरस म्यूटेशन हुआ लेकिन 100% उसका सिर्फ 10% रोल है, 90% रोल अपना ही है ह्यूमन फैक्टर, जिसकी वजह से थर्ड वेव का सेकेंड वेव का जन्म हुआ। हम लोगों ने अब फरवरी मार्च में खूब धूमधाम किया, मार्च लास्ट से चालू हो गया, इतना स्पीड से चालू हो गया कि अप्रैल में आते आते 4 लाख केसेस पर डे हो गए। मतलब ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, किसी भी देश में एक दिन में 4 लाख केस नहीं हुए। दूसरी बात क्या थी, इसका एक ही हथियार था, लॉकडाउन। लोग लॉकडाउन से बहुत रिलेक्टेंट थे, कोई भी गवर्नमेंट लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजदूर भी मरता क्या ना करता, सबको अल्टीमेटली करना ही पड़ा। उसका नाम बदल दिया, ये कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली लॉकडाउन ने हेल्प किया। और जब से लॉकडाउन हुआ, अभी हम लोग फिर 10 मई को लगभग पीक पर थे, 10th में प्लेटू था समझिए, 10th मई के बाद हम लोग डाउनफॉल में आ गए। अभी ये डाउनफॉल जुलाई उलाई तक कम हो जाएगा, और जुलाई के बाद अगर हमने फिर वही फरवरी वाली गलती की कि फिर से सब खोल दिया, फिर से सब चालू कर दिया, तो डेफिनेटली उसके 2 महीने बाद थर्ड वेव आएगी। लेकिन थर्ड वेव को बुलाना नहीं बुलाना अपने हाथ में है। अगर हम लोग अपना गार्ड डाउन नहीं करें, ऑफकोर्स अपने को काम भी करना है, लेकिन एटलीस्ट मास्क प्रॉपर यूज करें, अपना गार्ड डाउन नहीं करें, मतलब शादी ब्याह जो है अपना थोड़ा कंजर्वेटिव वे में करें, कोई काम कंजर्वेटिव वे में करें, पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करें, ये जब तक कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी नहीं, एटलीस्ट 100 करोड़ पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती। 100 करोड़ मीन्स 200 डोजेज लग जाए इंडिया में। जिस दिन 200 डोजेज लग गए, डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे, वेव की तो सवाल ही नहीं रहेगा, जो आएंगे केसेस जो मैनेज हो जाएंगे, इतने बड़े पैमाने पर नहीं आएंगे। आज तक हम लोगों ने करीब 22-23 करोड़ डोज दिया है, अपने को 200 करोड़ डोज देना है, 22-23 करोड़ दिया है, अभी 180 करोड़ डोज बाकी है। तो 180 करोड़ डोज इस स्पीड से पहुंचेंगे, अभी ऑफकोर्स स्पीड बहुत बड़ी है, प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
हम लोग जहाँ सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक काफी हम लोग का पॉजिटिव पोजिशन रहेंगे, और अगले साल जनवरी फरवरी मार्च तक, जब तक कि 200 डोजेज इंडिया में नहीं लग जाते, सबको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ रहना है, काम भी करना है, क्योंकि साल भर तो बैठ के बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी काम करिए ईमानदारी से मास्क लगाइए, सिर्फ मास्क नाक पे लटका के फायदा नहीं है, ईमानदारी से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, अपना काम भी चलेगा और थर्ड वेव भी नहीं आएगी, और जो बुलाएगा तो आएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अगर हम सावधान रहें तो शायद हम थर्ड वेव को टाल सकते हैं। एक उसमें वैक्सीन है, जो रफ्तार है मुझे अभी नहीं लग रहा है कि हम अगले 3 से 6 महीनों के भीतर 200 करोड़ लोग डोज जो है वो लगा पाएंगे, यानी 100 करोड़ लोगों को दो दो डोज दे पाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रोडक्शन नहीं है, उसका वितरण ठीक से नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहते, बहुत तरह के भ्रम में है, और बहुत तरह के लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसके इसके जो है कुछ खराब नतीजे भी आ सकते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो मेडिकल साइंस में विश्वास करते हैं, जो कि जब बीमार होते हैं तो जो एलोपैथिक साइंस के जो डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाते हैं, वो किसी और पैथी के पास नहीं जाते हैं, वो आयुर्वेद के पास नहीं जाते, वो होम्योपैथ के पास नहीं जाते, वो नेचुरोपैथी के पास नहीं जाते, वो आते हैं एलोपैथ के पास और उन्हीं से इलाज कराते हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर उनके मन में एक तरह का डर जो है अभी भरा हुआ है, तो इसलिए एक कारण वो है। अब डॉक्टर जैनर, जो स्थिति है अभी वैक्सीन की, दो कंपनियां अभी तक बना रही हैं, ये कहा जा रहा है कि स्पुतनिक को भी बनाने के लिए अनुमति दे दी गई है और वो जल्दी ही बनाने लगेंगे, और जो भारत में कह रहे हैं लोग कि इम्पोर्ट हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट करने वाला कौन है दुनिया में? अभी अगले 6 महीने तक तो शायद जो लोग प्रोड्यूस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे पास तो भेजने से रहे, और दूसरा ये है कि जब वो भेजेंगे भी तो वो हमारे लिए टेस्टेड और ट्रायड नहीं है। ये दो वैक्सीन टेस्टेड और ट्रायड है हमारे यहाँ, लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं है, तो उसको देखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर जैनब की क्या स्थिति दिखाई देती है अगर अगले 3 से 6 महीने या 8 महीने के बाद। एलेक्स जी, इसमें बहुत क्लियर है कि कोई भी कंट्री इस समय वैक्सीन में जितना इन्वेस्ट कर लेगा, वो सोचो कि वो अपने वैक्सीन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो देश की प्रोग्रेस में इन्वेस्ट कर रहा है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहा है, देश की ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हुए हैं, आपके सारे इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, आपके सारे स्टेडियम बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में इंडिया का जो टारगेट है वो मिनिमम होना चाहिए 1 करोड़ पर डे का। इंग्लैंड छोटा सा कंट्री है 6 करोड़ का, वो 2 लाख का टारगेट था, हम लोगों ने 60-70% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया, अब बच्चों में ट्रायल कर रहे, अमेरिका ने बच्चों में देना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेन इशू है कि हम लोग वैक्सीन में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा बजट था 35 करोड़ वैक्सीन के लिए, 35 करोड़ में आप 20-25-30 करोड़ से ज्यादा को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगाने के साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, तो हमको वैक्सीन का बजट 4-5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम अपना टारगेट टाइम से पहले, थर्ड वेव तो हमारे कॉर्नर पे खड़ी है, थर्ड वेव से पहले हमको आगे चलना पड़ेगा, और अगर नया म्यूटेशन आ गया तो वो इंडिया को फिर अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन इस समय यह है कि कुछ कंट्री बहुत आगे दौड़ रहे, 70-80% को वैक्सीनेट कर दिया, कुछ कंट्री अभी 3% पे है, अब जो 3% पे है वो इतना पीछे रह जाएंगे, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा सारी चीजों को। एक सवाल तो बीच में एक सवाल और पूछता हूँ। अभी तक ये माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये इम्यूनिटी करीब करीब 10 महीने तक देगा, यानी 10 से 12 महीने से ज्यादा इम्यूनिटी नहीं देगा, यानी बूस्टर डोज लगाना है। तो जो अभी हमारी रफ्तार है, हम बूस्टर डोज कब शुरू करेंगे? क्योंकि अब जो वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि पहला और दूसरा डोज ही जो है वो अगले 10 महीनों में पूरा नहीं होगा, 10 में से 2 महीने तो करीब करीब जा चुके हैं, तो कहाँ से ये टारगेट पूरा होगा? और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक आप आगे पहुंचेंगे पीछे वालों को दोबारा से वैक्सीन का समय आ जाएगा, तो ये साइकिल आपको तोड़नी पड़ेगी, और इसका अभी तक कोई ऐसे रिजल्ट नहीं है कि आपकी वैक्सीन 2-4 साल तक इफेक्टिव है, कोई ऐसा एविडेंस अभी निकल के नहीं आया, तो हमको यही सोच के चलना पड़ेगा 12 महीने ज्यादा से ज्यादा 18 महीने प्रोटेक्ट कर लेगी,
तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री का विजन सक्सेस मिशन आज की डेट पे इस पे डिपेंड है कि उसने वैक्सीन पे कितना इन्वेस्ट किया। जितने डेवलप कंट्रीज है उन्होंने पहले से मैसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया, पहले से ऑर्डर बुक कर दिए, पहले से खरीदारी। अब इसमें जो पीछे रह जाएगा उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म समस्या, अपना सारा का सारा वो ढांचा गिरा लेगा कंट्री का, एजुकेशन का ढांचा, इंडस्ट्री का ढांचा, ट्रेडिंग का ढांचा, सब ढांचे आपके कोलैप्स होते चले जाएंगे। फिर रिवाइव करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी आप वैक्सीन पे खर्च कर लें। और इंडिया के पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैन्युफैक्चर हब है वैक्सीन के लिए, मैन्युफैक्चर कैपेसिटी बढ़ानी है आपको, उसमें इन्वेस्ट करना है, बाकी तो आपके पीछे आएगी सारी चीज़ें। तो मेरा इंप्रेशन ये है कि अगर हमें थर्ड वेव से भी निपटना है और कंट्री को भी बचाना है, इन्वेस्ट 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 इन द वैक्सीन, 1 करोड़ से कम ना लगाए पर डे, दैट शुड बी द टारगेट। बिल्कुल सही कहा आपने, और भारत अगर चाहे तो लगा भी सकता है। मेरी सोसाइटी में एक कैंप हुआ तो उन्होंने एक दिन में कोई 10 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच 250 लोगों को, दो लोगों की टीम ने वैक्सीनेट कर दिया। तो इसलिए स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, वे बहुत कम समय लेने वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लेता। और डॉक्टर अशोक सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो गलतियाँ हमारे सामने सेकेंड वेव में आई, उसको देखते हुए अगर थर्ड वेव आ ही जाता है तो हॉस्पिटल के लेवल पे और उससे मुकाबला के लिए करना क्या होगा, किस तरह की तैयारी करनी होगी? देखिए, सेकेंड वेव में ऐसी कोई गलतियां नहीं हुई, गलतियां वही हुई जो हम लोगों ने अपना मास्क नीचे कर दिया, इसलिए सेकेंड वेव अगर वो गलती मेन तो गलती वही है कि अभी सेकेंड वेव जाने के बाद भी अपना मास्क लगाए रखिए, मास्क मतलब होल कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर वो हम लोग मास्क अपना यूज करते रहेंगे तो थर्ड वेव आने का चांस बहुत कम रहेगा। दूसरा, ये जो सेकेंड वेव के बाद हम लोग को सुस्त नहीं बैठना, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल उसको ये सोच के कि सेकेंड थर्ड वेव में हो सकता है केसेस और ज्यादा हो जाए, उसको ऑक्सीजन कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी, पैरामेडिकल स्टाफ, इसको बढ़ाते बढ़ाते रहना है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सर्विलेंस पे बहुत ध्यान रखना है कि अभी देखो टोटल लॉकडाउन तो हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन जिस एरिया से केसेज आउटब्रेक आता है कि वहां से एरिया बहुत केसेज आ रहे हैं उसे, उसमें विदाउट झिझक एकदम लॉकडाउन करिए कि वहां के आगे स्प्रेड हो ही ना। अगर केसेज बहुत फास्ट बढ़ने लगे तो इस बार जैसा लॉकडाउन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली करना पड़ा जब बहुत बढ़ गए, तो वो गलती नहीं होना चाहिए। अगर मतलब लॉकडाउन वो एक ही हथियार है जिसमें कि इमिडिएट आपको उसको रोक सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अपना वैक्सीनेशन बहुत फास्ट करिए, सर्विलियंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखिए कि जहां भी केसेज आए बिना सोचे उस एरिया को लॉकडाउन करिए, वहां से बढ़ने नहीं चाहिए। और साइमल्टेनियसली अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मैन पावर, ऑक्सीजन बेड्स, ये सब जो कैपेसिटी है वो तो है, अभी 2-3 महीने में बहुत कुछ नहीं बैठ सकता, लेकिन जितना है उसको थोड़ा मेंटेन रखिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको सब ऐसा वार्ड बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, पाइपलाइन हटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। फर्स्ट वेव के बाद ये भी देखा गया कि जो हॉस्पिटल टेम्प्ररी खोले गए थे या क्वारंटीन सेंटर खोले गए थे वो बंद कर दिए गए, और लोगों ने मान लिया कि अब ये नहीं आएगा, और जब वो आ गया तो हमने बहुत कुछ देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है, हमारे पास बेड तो नहीं ही था, पहले भी नहीं था, यानी कम था, और रिसोर्सेज में जो सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर्स, वो बहुत कम थे। और मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि हॉस्पिटल का मतलब जो है वो बिल्डिंग नहीं है, अगर हॉस्पिटल का मतलब बिल्डिंग होता तो जो स्कूल बंद है उनको एक रात में हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हॉस्पिटल में का मतलब जो है सपोर्ट स्टाफ भी नहीं, सपोर्ट स्टाफ भी बड़ी संख्या में है यहाँ, उसको जुटाया जा सकता है। हॉस्पिटल का मतलब मुख्य रूप से होता है डॉक्टर, और वो एक दिन में बनाए नहीं जा सकते। जो डॉक्टर आपके हैं तो उनको हम कैसे उनका बेस्ट यूज करें, मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन तब भी एक जो फोन पर सलाह देने की भी सुविधा होनी चाहिए कि जो लोग घर पर हैं, कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन पूरी तरह से कि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो बिना एक्सपोज हुए वो जो है वो पेशेंट के टच में है, और पेशेंट उनके पास इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, वो वहीं से टेलीमेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करते हैं, ये जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में देखा गया। लोग जो है वो डॉक्टरों के पास फोन पर फोन करते जा रहे हैं, सवाल ये है कि कितना फोन डॉक्टर उठा सकते हैं,
उसकी जगह जो एक कॉल सेंटर होना चाहिए, जैसे मिस्ड कॉल का ही की ही व्यवस्था हो, एक सेंटर हो कि वो फिर मिस्ड कॉल जाए, फिर डॉक्टर्स जो हैं उसको अटेंड करें अपने समय के हिसाब से। जाहिर सी बात है कि एक साथ वो 20 पेशेंट से बात नहीं कर सकते हैं, तो इसकी भी बड़ी कमी देखी गई जो कि बहुत आसानी से की जा सकती है। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे जो और इलाज कर सकते हैं, और अगर इलाज किया जाए शुरू में ही पता चल जाए, साइटोकिन स्टॉर्म तक हम नहीं पहुंचे, तो ये फ्लू के इलाज की तरह शायद है। बहरहाल विशेषज्ञ आप लोग हैं, आप लोग बताएंगे। लेकिन डॉक्टर जैनर, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, और वो ये है कि अभी नेपाल से एक खबर आई है कि एक नेपाली म्यूटेंट वर्जन जो है वो आ गया है, या उसको कुछ लोगों ने माउंटेन वर्जन भी कहा है। वैसे तो अल्फा बीटा गामा में कोई नाम वो उसका आ जाएगा, क्योंकि अब अवॉइड कर रहे हैं देश का नाम और जगह का नाम लेने से, लेकिन जो भी हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो डबल म्यूटेंट का भी डबल म्यूटेंट है, और अगर वो अगर फैलता है तो बहुत संकट होगा। हो सकता है कि वो वैक्सीन को भी जो है बाईपास कर जाए और उन लोगों को भी गंभीर स्थिति में ला दे जो वैक्सीन लगा चुके हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है क्या अभी? एलएससी, अभी जो नेपाल वाला म्यूटेंट है इसको हम डिटेल में अभी स्टडी नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंडिया नेक्स्ट डोर है नेपाल के। अगर ये म्यूटेंट इंडिया में घुसता है, एंटर करता है और वैक्सीन को बाईपास करता है, तो इंडिया और नेबरिंग कंट्री पर सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आएगा। और डबल म्यूटेंट हमेशा पहले म्यूटेंट से डेंजरस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि म्यूटेशन तो कंटिन्यू प्रोसेस है, म्यूटेशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, म्यूटेशन को रोका जाता है कि वैक्सीनेटेड पब्लिक होगी तो म्यूटेशन नहीं होगा। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेटेड पब्लिक उतना ही कम म्यूटेशन। वैक्सीनेटेड नेचुरली और आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली वैक्सीन से, नेचुरली जिनको इन्फेक्शन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सेकेंड वेव के थ्रू लगभग 40-50 करोड़ के आसपास लोगों को इन्फेक्शन होकर चला गया, तो इस एंगल से हम काफ़ी प्रोटेक्टेड है। उस एंगल से, वैक्सीन के एंगल से हम नहीं है प्रोटेक्टेड, कुल 3-4% है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमको बचने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया को करना है इस समय वैक्सीन। नंबर दो इंडिया को करना है कि यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम सेकेंड वेव में बुरी तरह से बीट हुए, फिसल गए, और एक अस्पताल के रिजल्ट अच्छे दूसरे के खराब, एक डॉक्टर के रिजल्ट अच्छे दूसरे के खराब, एक डॉक्टर स्टेरॉइड को अप्रोप्रिएटली यूज कर रहा है, सही समय पे यूज कर रहा है, सही डोज में यूज कर रहा है, सही ड्यूरेशन में, उसके रिजल्ट फंटास्टिक है। बाकी अभी भी पीछे दौड़ रहे रेमडेसिविर के, पीछे दौड़ रहे टोसिलोजुमब के, प्लाज्मा थेरेपी के। एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट लाना पड़ेगा हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के लिए, ICMR के थ्रू। उसमें डॉक्टर्स को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा कि आपको किस स्टेज पर किस डोज में स्टेरॉइड देना है। पब्लिक को भी एजुकेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव कवच है, चाहे वो नेपाली म्यूटेंट आए या दूसरा म्यूटेंट आए, जब तक हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं होगा तो नेपाल के बिना म्यूटेशन से भी हम मारे जाएंगे, हल्के म्यूटेशन से भी मारे जाएंगे। अब उसमें बड़े बड़े अस्पतालों के रिजल्ट देखें, छोटे अस्पतालों के रिजल्ट देखें, बहुत जाएगा। छोटे अस्पताल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे, क्योंकि इस बीमारी में आपको यूज ही करना एक इम्यूनोसप्रेसेंट, दैट इज स्टेरॉइड। वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग क्या करेगी? ICU के बड़े बड़े बेड क्या करेंगे? बड़े डॉक्टर्स क्या करेंगे? आपको तो एक इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करना है, डॉक्टर्स को ट्रेन करना है पेरिफेरी में, वो जान बचा लेगा 80-90% की आसानी से जान बचा लेगा। अब इस चीज को यूनिफॉर्म करने के लिए यूनिफॉर्म कॉस्ट भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, ट्रीटमेंट भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, आउटकम भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे इस समय हमको ज्यादा ध्यान देना है, और वैक्सीन, और तीसरा पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन ऐसी पैंडेमिक में हर कंट्री में, दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है, कि जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है दैट्स ओनली वैलिड, बाकी इंफॉर्मेशन डिस्कार्डेड, नॉट अलाउड, नोबडी कैन हैव ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब हो ये रहा कि व्हाट्सएप पे फैला दिया वैक्सीन खराब है, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन क्लोटिंग कर रही है, पब्लिक ने वैक्सीन लेना बंद कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री करता है कि कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, केवल सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होगी, वो भी एक्सपर्ट्स आएगी और वो इंफॉर्मेशन पेरिफेरी में जाएगी। ये सिस्टम हमने डेवलप ही नहीं किया, यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हमने बनाया नहीं, वैक्सीन हमने किया नहीं। तो
नेपाल का म्यूटेंट हो या पाकिस्तान का हो, हम लोग तो एक्सपोज है चारों तरफ से, उससे कम वाला म्यूटेशन भी हमें अफेक्ट करेगा। हमारे पास ओनली कवच इस समय यह है इंडिया के पास कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 40-50 करोड़ हमारे अभी अभी इन्फेक्ट हो गए लोग, उनमें एंटीबॉडीज बन गई, ये हमें बस प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी तो हम एक्सपोज है। बिल्कुल सही है। और कि जो जो लोग पीड़ित हो चुके हैं उनमें एंटीबॉडी निश्चित तौर पर बना होगा, हालांकि कोई सर्वे, सेरो सर्वे या कोई इस तरह का आंकड़ा जुटाने का काम जो है अभी तक नहीं हुआ है कि पूरे देश में कितने लोग जो है प्रभावित हो चुके हैं, कोई राज्य सरकार की तरफ से या देश की सरकार की तरफ से आंकड़ा नहीं आया है। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की पब्लिक एजुकेशन, तो उसी संदर्भ में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अशोक जैनर और डॉक्टर अशोक सिंह दोनों ही एक महत्वपूर्ण किताब के लेखन में शामिल है और उसका नाम है कोरोना जानो समझो बचो। हिंदी में है ये किताब। आपको ये जो किताब है आम पाठकों को भी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी गाइड कर सकता है कि कोरोना में किस तरह की सावधानियां बचें, कैसे ट्रीटमेंट करें। हालांकि ये ट्रीटमेंट की किताब नहीं है, कोई मेडिकल बुक नहीं है, आम जानकारी की किताब है, लेकिन इतनी जानकारियां आपको मिल सकती हैं कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, इससे जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर सिंह, अब मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि वायरस के खिलाफ कुछ दवाएं आने वाली हैं, कोई कह रहा है कि वो पफ की तरह लेने से वायरस पे वो काम करेगा, इस तरह की कई और चीजें की जा रही है। हालांकि हमने देखा कि रेमडेसिविर का बहुत प्रचार किया गया पहले वेव के समय में ही भारत में, तो सेकेंड वेव में उसकी कालाबाजारी हुई, 1-1 लाख रुपए में 1-1 डोज बिक गया, वो एंटीवायरल है लेकिन प्रभावशाली नहीं था। तो ये जो नई दवाएं आ रही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, कितनी जानकारी है उनके पास बारे में और कितनी इफेक्टिव वो हो सकती है? देखिए, जो एंटीवायरल दवाएं हैं वो इस कोरोना बीमारी में Day 1 से Day 7 तक काम करती है। Day 1 मतलब जब आदमी को हल्का मुल्का बुखार उखार चालू हुआ और उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम रहते हैं, और 5-6 दिन के बाद वो सब वायरस ठीक हो जाता है। तो जो भी आपको एंटीवायरल यूज करना है वो Day 1 से यूज करना है। तो दे आर लिस्ट ऑफ एंटीवायरल, जैसे रेमडेसिविर है, फेवीपिरावीर है, अभी नई कॉकटेल एंटीबॉडी आई जो ट्रम्प साहब को दिया था, वो भी इंडिया में लॉन्च हो गई 60,000 रुपए की, वो है, प्लाज्मा है, सब एंटीवायरल ड्रग है। दीज एंटीवायरल ड्रग्स आर इफेक्टिव बट नॉट यूजफुल, दोनों में डिफरेंस है, इफेक्टिव एंड नॉट यूजफुल। एंटीवायरल यूजफुल कभी रहेगा, ये सस्ती होनी चाहिए, आदमी Day 1 से यूज कर ले, सर्दी जुकाम हुआ क्रोसिन का गोली जैसा खा ले, सस्ती होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल हर जगह होनी चाहिए और टेबलेट फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि इजीली Day 1 से माइल्ड सिम्टम वाला भी आदमी यूज कर ले। हम मानते हैं कॉकटेल बहुत अच्छा इफेक्टिव है जो अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, लेकिन जिस आदमी को माइल्ड सिम्टम है Day 1 में, पता नहीं आगे बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो 60,000 के इंजेक्शन क्यों लगवाने जाएगा। तो इट इज एंटीवायरल का भले इट इज इफेक्टिव हो, लेकिन इसको यूजफुल होना बहुत जरूरी है। यूजफुल होने के हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि चीप होनी चाहिए, हर दुकान पे इजली अवेलेबल होनी चाहिए, हर पब्लिक को आराम से मिल जाए, और टेबलेट फार्म में होना चाहिए, आराम से कोई खा ले। अगर इस फार्म में अवेलेबल रहेगी तो गांव में, दुनिया में, हर के लिए अवेलेबल रहेगा। आज बुखार आया, आपने कोरोना गोली खा लिया, सुबह शाम दोपहर दोपहर 1 हफ्ते खा लिया, जब Day 1 से यूज करोगे एंटीवायरल तभी फायदा है, 7वें 8वें 9वें दिन इंजेक्शन लगाओ, कॉकटेल लगाओ, क्या लगाओ, क्या होने वाला है। तो आप सोचिए, जिस दिन टेबलेट फार्म में सिंपल टेबलेट आएगी तो ही फायदा है, अदरवाइज ऑल यूजलेस, कोई फायदा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई रेमडेसिविर या कोई एंटीवायरल दवा जो है वो उनको इस संकट से उबार देगी, लेकिन आपने जो कहा कि जो जो कोरोना से लेकर को लेकर सावधानी है वही हमें बचा सकती है। और मैं फिर से चलते चलते, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं चलने से पहले एक एक महत्वपूर्ण सूचना ये दे दूं कि कोरोना पर हमारी एक नई किताब आई है, कोरोना जानो समझो और बचो। ये किताब जो है बेसिक इंफॉर्मेशन कोरोना के बारे में देती है, और डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर अशोक जैनर दोनों ही इस किताब के लेखकों में शामिल हैं। डॉक्टर जैनर ने इसको संपादन भी किया है, तो इसको पढ़ करके बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है या गलत जानकारी मिलती है उससे आप बच सकते हैं।
तो एक बार आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, और डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर अशोक जैन, आप दोनों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताइएगा, और हम इसी तरह के विषयों पर नए प्रोग्राम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।